गट्टा खाया है। गर्मी का पारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और चिलचिलाती धूप ने लोगों का घर से निकलना तक मुहाल कर दिया है। ऐसे में लोग अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए तरह तरह के उत्पादों का सेवन करते हैं ताकि उन्हें गर्मी के कारण कोई बीमारी अपने शिकंजे में ना जकड़े। आपने कमल गट्टे का नाम तो सुना ही होगा, आज हम आपको इसी फल के बारे में बताने जा रहे हैं जो मिलता तो केवल 3-4 महीने ही है मगर इस फल की तासीर इतनी ठंडी है कि इस फल को खाने से जहाँ भीषण गर्मी से राहत मिलती है वहीं बीपी शुगर यहाँ तक के दिल से जुड़ी हुई कई गंभीर बीमारियाँ तक ठीक हो जाती हैं। दरअसल कमल गट्टा कमल का फल है जिसका निर्माण कमल के फूल से ही होता है और इसलिए फल को कमल फल के नाम से भी जाना जाता है। कमल के इस फल में मौजूद बीजों को छीलकर खाया जाता है जो मूंगफली की तरह होते हैं। इनका स्वाद भी मूंगफली की तरह होता है बल्कि ये कहा जा सकता है कि ये मूंगफली से भी ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अमृतसरों आए जी भाजी, ये कौल चपनी ले के आए जी। ये छप्पड़ दे विच होंदी है जी, हरिद्वार नदी दे विच लगदी है, अमृतसर छप्पड़ दे विच लगदी है, पिंडा दे विच ये ठंडी होंदी है, जिगर वास्ते बहुत अच्छी चीज़ होंदी है वीर जी। ये कड्डी इदां जांदी है जी, ये आ देखो जी, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੋ ਬੱਚਾ ਖਾਵੇ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਖਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹ ਖਾਣੀ ਠੰਡੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਫਲ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਗਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹਾਰਟ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ। अब हम खा रहे हैं, 2 महीने से खा रहे हैं, बड़ा फायदा हो गया। हमारी जरा वीकनेस आ गई थी, हम बाहर से आए हैं, हाँ जी, ये खाने से हमारा बड़ा असर पड़ा है, सेहत में असर पड़ा था। इसमें पहले जरा वीकनेस आ गई थी, अब हम ठीक हो गए हैं। नहीं जो दवाइयों से भी अच्छा है, ये नेचुरल चीज़ है, इसको कोई भी बोर नहीं लगता है, जो मर्जी खा ले, इसमें कोई शुगर नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। एक कमल फली है जी, ये सब तो बढ़िया चीज़ है और गर्मियों में बेस्ट होगा, बहुत बढ़िया तोहफा है। हार्ट और शुगर के मरीजों वास्ते बेस्ट है और तस्वीर है जी ठंडी, 2-3 महीने आता है, बिल्कुल आम करीदा जी। नॉर्मली 2-2.5 महीने गर्मी सीजन शुरू होता है, भाई साहब आते अजे ले जाए इन्हों को, मैंने काफ़ी फर्क पाया, 12 साल की उम्र है, यही खा खा ठीक हुए हैं। हाँ, इसको कमल के गट्टे कहते हैं, कमल के फूल जो बनते हैं वो होते हैं और ये खाने में बहुत ठंडे होते हैं। इसको कोल चपनी, कमल ककड़ी बहुत अच्छे होते हैं, ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और इसके अंदर मैक्सिमम विटामिन डी भी मिलता है और आपको एक कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं जो बहुत खुश होते हैं। हाँ, हम बचपन से खाते आए हैं, अब तो मिलने ही बंद हो गए हैं, बहुत कम मिलते हैं और इसी को ही सुखा के जो हम कहते हैं ना कोल डोडे बनते हैं, हाँ कोल डोडे इसी के ही बनते हैं और जो फूल मखाने बनते हैं वो फूल मखाने भी इसी के बनते हैं।